मेरा नाम तापी लोंडा, एज ए सोसाइटी सेक्रेटरी और ये फाउंडेशन डे का ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन ने वहाँ पे कुछ ऐसा व्यू पॉइंट बनाया था आई लव लोंडा बोल के, तो उसके बारे में थोड़ा विचार शेयर कीजिए सर। माने एज ए ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन का हिसाब से ये व्यू पॉइंट जो हमने ये दिमाग लगाया कि क्योंकि वो जो है कि एक माने हमारा बामिंग क्यों तालों व्यू पॉइंट माने अच्छा प्लेस था, इसलिए हम माने ये प्रोग्राम को हमारा सोसाइटी ने ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन देने का बाद में हमने ये सोचा कि हमारा लोंडा के लिए कुछ ना कुछ ये फाउंडेशन डे में हम काम करना चाहता था, क्योंकि पब्लिक हमको कमिटी दिया है तो उसको हम सोचा कि कुछ ना कुछ करेगा, तो इसलिए हमने टारगेट लगाया कि हम उसका हमारा सोसाइटी का फाउंडेशन डे में क्या चीज़ ना करना चाहता है, तो तब जाके हमने ये दिमाग लगाया कि हमारा लोंडा आई लव लोंडा बोल के हम करना चाहता था, इसलिए हमने शुरू किया प्रोग्राम को शुरू करने का बाद में वो चीज़ को हम दिमाग लगाया, इसलिए उसको आई लव लोंडा बोल के हम ये माने दिमाग लगा के क्या है। ओके सर, जैसा कि देखा जाए तो आज का अंदर में बहुत सारा ऐसा लोंडा क्लैन, बहुत सारा लोग ऐसा वीकनेस करने नहीं आया, उन लोग के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? हमारा लोंडा क्लैन में कम से कम यहाँ में ये हम लोग बोलता है कि ये बामिंग कंटेंटेशन अंडर में आता है दाते लोंडा, और 10 सपा में आता है महबुआ लोंडा, और 11 वेस्ट में आता है काफियां लोंडा और ततांतरा लोंडा। उन लोग ने कोई कोई लोग माने पार्टिसिपेट करने नहीं सका क्योंकि दूर है ना, तो दूर है इसलिए आ नहीं पाया, तो उस के लिए मैं मैसेज ये देना चाहूँगा हमारा माँ पिताजी भाई बहनों लोग को हम ये मैसेज देना चाहूँगा कम से कम और दोबारा इसका जैसे जो फाउंडेशन डे होगा नेक्स्ट अक्टूबर में, फिर ये हम लोग का जन्मदिन होगा, उसमें आइए और उसमें सपोर्ट कीजिए, स्पेशली यूथ और ना जितना भी हमारा माँ बहनों दादा भाई है उन लोग को हम ये बोलना चाहूँगा नेक्स्ट फाउंडेशन में ऐसे हम लोग प्रोग्राम करेगा, इससे और ज़्यादा ना सपोर्ट कीजिए और आइए, ये है मेरा माने भाई लोग के लिए संदेश है। माय नेम इज़ हनुमान लोंडा और मैं आज 21st फाउंडेशन डे का ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ, और ये मेरे बगल में 21st फाउंडेशन डे का ऑर्गेनाइजिंग वाइस चेयरमैन और ये ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन। ओके, 21st फाउंडेशन डे का थोड़ा डिटेली ब्रीफ कीजिए हमारे पब्लिक। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिर्फ इतना ही बोलेगा कि फाउंडेशन डे एक सोसाइटी का एक बहुत इम्पोर्टेंट डे होता है, क्योंकि ज़्यादातर सोसाइटी जहाँ तक सोसाइटी होता है वहाँ जब फाउंडेशन बनाता है तो फाउंडेशन डे उस वक्त मनाया जाता है जिस दिन सोसाइटी का जन्मदिन होता है। अब यूं ही समझो जिस दिन सोसाइटी का फॉर्मेशन होता है, इस्टेब्लिश होता है, तो उस तारीख को लेकर हम लोग फाउंडेशन डे मनाया जाता है। तो फाउंडेशन डे को मनाते हुए हम लोग साथ साथ
अपना जितना भी पब्लिक है, जितना भी लौंडा विलेज का उन लोग गाँव से जो रिलेटेड जितना भी भाई बहन है, वो लोग को ये डे में हम लोग आपस में मिल के इंट्रैक्शन करता है आगे का, और आगे में कैसे अपना लौंडा को बढ़ाएगा वो चीज़ का डिस्कस करता है। तो आज हम लोग फाउंडेशन डे 21st फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन किया है, इसका एक मकसद और मैसेज बस यही था कि हम लोग का जितना भी भाई बंधु दूर दूर में रहता है ना, वो सबको एक साथ आकर हम लोग आपस में जो पहचान में नहीं है उसको पहचान करवाएगा, और जो कुछ आपस में कमी है वो चीज़ को बातचीत करके पूरा करेगा, और सोसाइटी हमेशा वेलफेयर और एक सही तरीक़ा से माने जाना है, ये मकसद से लेकर हम लोग फाउंडेशन डे को सेलिब्रेट करता है। और फाउंडेशन डे में हम लोग अपना जितना भी बस्ती है सबको एक तरफ से आप ये भी कह सकते हैं कि एक सेलिब्रेशन जिसमें हम लोग अपना दिल का खुशी को निकलता है, एक हैप्पीनेस अपना शो करता है, अपना एक पहचान, अपना एक कोऑपरेशन को आगे बढ़ाता है। तो फाउंडेशन डे हम लोग यही एक्चुअली आज मनाया था, और इसमें हम लोग हर किसी को वेलकम किया है, कोई कोई नहीं आ पाया है, वो लोग आने का एक ही रीज़न है, कोई लोग बहुत दूर में हो गया ना, और जो करीब में था वो लोग पर आ पाया है, लगाया हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसमें कहीं ना कहीं स्टोरी है, तो ये इसके बारे में ब्रीफ कीजिए। हाँ, तो जहाँ तक ये आज 21st फाउंडेशन डे जो सेलिब्रेशन हम लोग आज किया है, लगभग तो हम लोग मना चुका है, हमारा गेस्ट आया है, चीफ गेस्ट आया है, हमारा कहीं बड़ा बड़ा इंटेलेक्चुअल मेहमान आया है, और जहाँ तक हम लोग का ये जो ये इन लविंग मेमोरी का जहाँ तक ये सवाल है, ये इसको हम लोग ये हम लोग का 21st फाउंडेशन डे में इसलिए इसका पोस्टिंग किया गया है क्योंकि ये हम लोग का एक बहुत एक आप कह सकते हैं फोर फादर इवन मेरा माँ भी है, क्यों ना हम लोग सोचा एक यूनिक काम करें कि फाउंडेशन डे में इसको याद किया जाए, तो उसके लिए ये पोस्टिंग लगाया गया है, और उसके लिए हम लोग सुबह मौन भी किया है, हमारा कंडोलेंस भी किया है। तो हर किसी को जो भी मेहमान बाहर से आएगा वो लोग को भी एक यूनिकनेस कि हम लोग का फाउंडेशन किस तरीक़ा से मनाया जाता है ये एक दिखाने के लिए भी हम लोग कोशिश किया कि फाउंडेशन में हम लोग का गुजर गया भाई बहन फोर फादर को हम लोग याद करना है बोल के ये एक तरीका हम लोग निकला है। हमारा नाम है डॉक्टर प्रदीप लिंगफा, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिक इंजीनियरिंग नेरिस, अभी मैं डीन स्टूडेंट अफेयर में भी हूँ और डीन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट भी है नेरिस में। ओके सर, एनी मैसेज फॉर पब्लिक? पब्लिक तो ये मैसेज ये है कि आज का दिन में ये 21st फाउंडेशन डे लौंडा वेलफेयर सोसाइटी तो मना रहा है, और ये बहुत अच्छा एक चीज़ हम आज देखने मिला है कि ये फाउंडेशन डे में काफ़ी अवार्ड प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन एकेडमिक में है, स्पोर्ट्स में है, ये सब आज उन्होंने दिए है फाउंडेशन डे में, तो ये सोसाइटी का बहुत अच्छा एक मैसेज है। और खासकर मैं तो ये तो हमारा खुद का एक अपना रिलेटिव्स है, ये कई लोग है यहाँ में, मुझे चीफ गेस्ट के लिए बुलाया गया है यहाँ, तो ये बहुत अच्छा चीज़ है। और ये जो आज मैं देखा हूँ ये जगह जो इतना एक फर्टाइल है, जो लौंडा जो ये दिट्टे जो विलेज जो जहाँ जो फाउंडेशन बना रहा है, काफ़ी एक टूरिस्ट स्पॉट का भी बहुत है, और इसमें एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह का भी काफ़ी ये सब एरिया के लिए भी काफ़ी पोटेंशियल है ये एरिया में। और मैं तो यही मैसेज देना चाहता हूँ कि क्योंकि लो आगे मतलब समाज के लिए हमें सबसे हम सबसे अच्छा होना है, हम जब अच्छा होंगे तो हमारा सोसाइटी अच्छा होंगे, हमारा डिस्ट्रिक्ट एरिया अच्छा होंगे, डिस्ट्रिक्ट अच्छा होंगे, स्टेट अच्छा होंगे और नेशन अच्छा होंगे, तो इसलिए हमको अच्छा आदमी बनना है, अच्छा होना है, तो समाज को आगे बढ़ना है तो सबसे एजुकेशन को सब टॉप प्रायोरिटी हम लोग को देना है, स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में हम लोग को फोकस करना है। आज का फ्यूचर जो यूथ है तो हमको यूथ का में और ज़्यादा किस दिशा में हमें एजुकेशन पे ले जाना है, तो ये सब हमें देना है समाज को, और हम सब इसी तरीके में हम लोग को अटेम्प्ट और कोशिश करना है कि एजुकेशन और हेल्थ और स्किल एंटरप्रेन्योरशिप ये सबको आगे बढ़ाना है, अगर स्टेट को आगे ले जाना है। धन्यवाद। एनी मैसेज फॉर पब्लिक सर? सबसे पहले तो हम आज 21 फाउंडेशन लौंडा वेलफेयर सोसाइटी का प्रोग्राम में वेमेन को रूम में बुलाया, उसके लिए हम सभी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को दिल से थैंक देना चाहूँगा। दूसरा बात है कि 21 फाउंडेशन डेट मीन्स 21 ईयर्स हो गया कि फाउंडेशन डे जो मना रहा है, इसमें हम लोग ने मैं सबसे अच्छा चीज़ ये दिखाई दिया कि हमारा इस कमिंग में नहीं बोल के सारा अरुणाचल में सोसाइटी बनाता है लेकिन सोसाइटी का रजिस्टर नहीं करता है, लेकिन हम यहाँ लौंडा वेलफेयर सोसाइटी को दिखा है, सबसे पहले तो वो लोग का सोसाइटी रजिस्टर में रजिस्टर हो गया है, तो सबसे वो बहुत बड़ा एक चैमिन है क्योंकि सोसाइटी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस एक ये सारा ये सोसाइटी रजिस्टर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत स्कीम देता है,
इसके लिए बहुत हर सेक्टर में मतलब उसका फाइनेंस भी करता है, तो इसके हिसाब से तो सोसाइटी रजिस्टर उन लोगों ने किया है, सोसाइटी लोडा वेलफेयर सोसाइटी, बहुत अच्छा लगा। दूसरा है कि आज जो 21 इयर्स का अंदर जो हमारा यहाँ पे ये बामिंग सर्कल में आता है, अभी रिसेंटली नया गवर्नमेंट नोटिफिकेशन दिया, एक सपापू एक सर्कल खुला है, लेकिन अभी भी बामिंग का अंदर में है कि बामिंग का अंदर में जो लोंदा क्लैंस है, हम लोग तो खास करके रिलेशन भी होता कि लोंदा क्लैंस जो है बहुत बड़ा पॉपुलेशन, एक लार्जेस्ट एक पॉपुलेशन रहता है, कि यहाँ पे सपादू हेडक्वार्टर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से लगभग 25-28 किलोमीटर है। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये जो लोंडा सोसाइटी जो है बहुत ही एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर का स्किल डेवलपमेंट में बहुत ध्यान देना बहुत जरूरी होगा युवा के लिए, आने वाला के लिए, क्योंकि सभी लोग जब ग्रेजुएशन होने के बाद में जो आर्ट में जो ग्रेजुएशन होने के बाद में जो प्लेस में रहता है, तो इसलिए मैं यहाँ का लोंडा सोसाइटी का चेयरमैन सेक्रेटरी को यहाँ का पब्लिक को मैसेज ये देना चाहूँगा कि एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर का स्किल डेवलपमेंट जानना लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ में अभी जैसे लिंगफा सर ने जो बोला है कि बम्बू का इतना यहाँ सोर्स है, बम्बू का प्लांटेशन अगर हम 2-3 हेक्टर में ज़मीन में अगर हम बम्बू प्लांटेशन होता है अब तो 3 ईयर्स का बार उसका आन ऐसे आ जाएगा कि पता भी नहीं चलेगा कि कितना करोड़ कितना लाख हम कमा रहा है। तो इसलिए मैं आज देखा है कि स्पोर्ट्स क्षेत्र में इतना लोगों को गोल्ड मेडल मिला, कराते में बोलो किक बॉक्सिंग में बोलो, उसके बाद एजुकेशन सेक्टर में भी 21 इयर्स के अंदर हमारा यहाँ का जो लोडा सोसाइटी जो है बहुत आगे प्रोग्रेस लेके आया है, दिखाई दिया। और खास करके मैं आज भी मेरा स्पीच में भी बोला, मेरा मामा एस टी लोंदा एडवोकेट ईटानगर में रहता है, इनका तरह से बहुत लोग को सोशल मीडिया में लोंदा सोसाइटी को लोंदा को पहचान में जो लेके आ रहा है, और जितना भी युवा है जो चेयरमैन है मामा तारंग लोग है, मामा तापी लोंदा लोग है, जो जिस तरह से जो आज ऑर्गेनाइज किया बहुत अच्छा लगा। और मैं पूरा उम्मीद के साथ विश्वास करता हूँ कि हमारा जो लोंदा ब्रदर्स लोंदा का जो भी यहाँ युवा पीढ़ी है जो अभी कोई एजुकेशन में कोई पढ़ाई में जो एजुकेशन सेक्टर में जा रहा है, कि आफ्टर कम्प्लीशन ऑफ द ग्रेजुएशन के बाद में ये लोंदा जो इस तरह से इतना सीनियर है, इतना अच्छा क्लाइमेट है, नेचुरली यहाँ ब्यूटीफुल जगह है, तो इसको डेवलपमेंट करेगा और लोंदा लोही बामिंग को बामिंग सर्कल एट बामिंग कंस्टिट्यूंसी में लोंदा आदमी लोही बामिंग को एग्जाम्पल क्रिएट करेगा बोल के हम विश्वास करता है। मेरा नाम तारंग लोंदा है, अभी लोंदा वेलफेयर सोसाइटी का चेयरमैन है। तो आज हम लोग 21 का ये फाउंडेशन डे आज जो दाते लोंदा में अभी सेलिब्रेशन किया है, अभी सक्सेसफुल हो गया। तो आज हम लोग का 4 गांव है यहाँ दाते मेबुआ ततातरा कफा, तो हम लोग मिल के एक साथ यहाँ में सेलिब्रेशन कर रहा है, आज सक्सेसफुल हो गया। और आज जो हम लोग 21 अक्टूबर में हम लोग का ये लोंदा का बॉन्ड मतलब जन्म टाइप का ना, आज हम लोग का डे दे, इसलिए हम लोग इसको मेमोरी को या करके आज हम लोग फाउंडेशन डे को अभी आज हम लोग सेलिब्रेशन सक्सेसफुल हो गया। और आज जो यहाँ में हम लोग का चीफ गेस्ट डॉक्टर प्रदीप लिंगफा भी आया है, और गेस्ट ऑफ ऑनर जाले सोनम भी आया है, और स्पेशल इन्वाइटी इंजीनियर ख्याकू लोरा भी आया था। तो आज हम लोग यहाँ में सक्सेसफुल हो गया, और आज मिल के हम लोग आज बहुत खुशी हो गया। और हम लोग का ये 21 आज फाउंडेशन डे में इतना ये कंट्रीब्यूशन किया है, और मेरा एडवोकेट एसडी और फार्मर चेयरमैन दीते लोंदा फाउंडेशन को ये स्पॉन्सर किया है, और राजा लोंदा जो जर्सी को वॉलेंटियर जर्सी को वो स्पॉन्सर किया है, वो 3 आदमी को हम लोग तरफ से अभी बहुत बहुत ये धन्यवाद देना चाहूँगा। और आज हम लोग ये फाउंडेशन का डे में आज हम लोग ब्रीफिंग में भी बता दिया, हम लोग का लोंदा में ये रजिस्ट्रेशन भी हो गया, और हम लोग का ये अभी गैजेट ये नोटिफिकेशन हो गया, उसका तब्बा पारंग लोंदा उसका शोर नाम अभी लोंदा में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।